आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले तो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर किसको कहेंगे, क्या क्या होता है हार्डवेयर। तो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए मेन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हमारा होता है हार्डवेयर और एक को बोलता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर को चलाने के लिए तो यूज़र का भी होना जरूरी है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी होना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं हार्डवेयर क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे हार्डवेयर के बारे में, फिर नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि दोनों में काफ़ी एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दो पार्ट में इसको कवर करेंगे। हार्डवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है। तो ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी सीन टच एंड फेल इज कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब कि ऑल द फिजिकल पार्ट, मतलब कंप्यूटर के सभी भौतिक पार्ट जिसको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फेल्ड मतलब महसूस कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। कंप्यूटर के सभी भौतिक पार्ट जिसको हम फिजिकल रूप से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, जितना भी फिजिकल पार्ट है ये हमारा हार्डवेयर कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हार्डवेयर क्या होता है। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, जितना भी आप लोग देख सकते हो, टच कर सकते हो, हमारा हार्डवेयर है। अब हम लोग समझते हैं टाइप ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर कितने टाइप का होता है। तो हार्डवेयर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर ये क्या होता है ये जानते हैं। इंटरनल हार्डवेयर जितना भी आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे इमेज पे, ये सब हार्डवेयर के एग्जांपल है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का एग्जांपल है। तो हम लोग समझते हैं इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है। व्हाट इज इंटरनल हार्डवेयर, इंटरनल हार्डवेयर इज इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू के अंदर होता है, जो आप लोग सीपीयू कैबिनेट देखते हो उसके अंदर होता है, उसको इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम लिखा है ना, मतलब कंप्यूटर के अंदर के पार्ट को इंटरनल हार्डवेयर बोला जाता है। और इसी इंटरनल हार्डवेयर को इट इज़ कॉल्ड कंपोनेंट्स, जो अंदर में होता है कंप्यूटर के, जो सीपीयू के अंदर में होता है उसे कंपोनेंट्स भी बोला जाता है। तो जैसे सीपीयू के अंदर में होता है ये, जैसे ये आप लोग सीपीयू देख सकते हो, ये सीपीयू है, इसका बाहर का पार्ट को कैबिनेट बोला जाता है, सीपीयू अंदर में होता है छोटा सा चिप के समान, लेकिन हम लोग यही रहते हैं इसलिए इसको सीपीयू बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, क्योंकि इसके अंदर रहता है। तो इसके अंदर जितना भी होता है सामान उसको इंटरनल हार्डवेयर बोला जाता है, जो अंदर के पार्ट्स को। तो अंदर में आपका क्या क्या होता है, रैम होता है, रोम होता है, मदरबोर्ड होता है, ये हमारा मदरबोर्ड है, सीपीयू का फैन होता है, ड्राइवर होता है, हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, ये हमारा एसएसडी है, एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस मतलब पावर सप्लाई, बैटरी समझ सकते हैं आप लोग, पावर सप्लाई। तो ये हमारा मदरबोर्ड हो गया, एसएसडी हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये सीपीयू का फैन हो गया, एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क जो डाटा को स्टोर करके रखता है। तो ये सब क्या है, सब कंप्यूटर के सिस्टम सीपीयू के अंदर होते हैं, इसलिए इसको इंटरनल हार्डवेयर बोलेंगे, मतलब जो इस बॉक्स के अंदर रहता है उसको इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर मतलब समझ गए, पावर सप्लाई आपका एसएमपीएस, सीपीयू का फैन हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी डीवीडी हो गया और ये आपका मदरबोर्ड, ये सब इसके अंदर होता है, इसी के अंदर जो रहता है उसको इंटरनल हार्डवेयर बोला जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और इमेज देख सकते हो, ये हमारा मदरबोर्ड है, सीपीयू फोन है, एसएमपीएस है, ये सब सर्किट बोर्ड है, रैम रोम यहाँ पे लगा रहता है, ये सब वायर है, एसएमपीएस है ये वाला, यही हमारा क्या है, इंटरनल हार्डवेयर है, मतलब जितना भी अंदर में सब वायर वगैरह है, ये छोटा छोटा सब पार्ट्स है, ये इंटरनल हार्डवेयर के अंदर आएंगे। जितना भी ये सब का नाम देख सकते हो यहाँ पे, क्या क्या इस नाम को क्या क्या बोला जाता है, ये सब इंटरनल हार्डवेयर है, अंदर का पार्ट है, ये सब मदरबोर्ड का पार्ट है। अब हम लोग समझते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर इज़ ए कनेक्टेड आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू वायर। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर का मतलब जो कनेक्टेड होते हैं वायर के जरिए, किसके, सीपीयू के साथ कनेक्ट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल हार्डवेयर बोला जाता है, इस कॉल्ड पेरिफेरल, उसको पेरिफेरल भी बोला जाता है। जैसे कि जो बाहर का पार्ट्स होता है, जो सीपीयू से कनेक्ट होते हैं वायर के जरिए, उसको एक्सटर्नल हार्डवेयर बोला जाता है। एक्सटर्नल हार्डवेयर का मतलब कीबोर्ड हो गया आपका, वायर के जरिए कनेक्ट रहता है, कीबोर्ड, माउस ऐसा भी नहीं वायर के जरिए कनेक्ट होता है, कीबोर्ड, माउस वायरलेस भी आता है। तो आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर में जो बाहर का पार्ट्स होता है, जो आप जिसको आप देख सकते हो, जो उसको भी देख सकते हो लेकिन वो अंदर में रहता है, इंटरनल हार्डवेयर, इसको फिजिकली रूप से देख सकते हो यहाँ से आप लोग, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है आपका एक्सटर्नल हार्डवेयर, जो बाहर का पार्ट्स रहता है, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, माइक, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर, जो बाहर का पार्ट्स है उसको एक्सटर्नल हार्डवेयर बोलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे इंटरनल हार्डवेयर, हार्डवेयर का दो टाइप है, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक क्या, एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स को, इंटरनल हार्डवेयर मतलब जो अंदर में लगा रहता है फैन वगैरह उसका, एसएसडी, एचडीडी, रैम रोम, और एक्सटर्नल हार्डवेयर मतलब बाहर के पार्ट जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये। तो आप लोग समझ गए होंगे हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर को जिसको हम लोग फिजिकल रूप से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हमारा हार्डवेयर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।